कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिहाड़ी मजदूर पलायन करने को भी मजबूर हैं। ताजा मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां करीब 40 मजदूर राजस्थान के जयपुर से बिहार पैदल ही जाते हुए दिखाई दिए। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में पिछले 4 दिनों से पैदल चलकर जयपुर से गाजियाबाद पहुंचे करीब 40 मजदूरों का कहना है कि इन्हें भी 15 दिन और लगेंगे, तब तक ये लोग बिहार पहुंच पाएंगे। मजदूरों ने बताया कि ये लोग जो खाना लेकर चले थे वो खत्म हो चुका है, अब उनके सामने खाने का भी संकट है। उन्होंने बताया कि वह लोग मजदूरी के लिए जयपुर गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम न मिलने के कारण इन्हें खाने पीने की दिक्कतें होने लगी, जिसकी वजह से जयपुर से पलायन कर अपने घर वापस जा रहे हैं। जयपुर से बिहार जा रहे हैं। कितने दिनों में पहुंचोगे बिहार? ये तो अभी तो 4 रोज हो गया अभी तक में। आप देखो कितने रोज में पहुँच रहे हैं। वो तो कोई क्यों जा रहे हो आप? कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है वहाँ पे, ने नहीं रूम में रहने देता, नहीं खाने के लिए कुछ मिलता है। क्या काम करते थे? सिलाई काम कर रहे हैं। जयपुर से बिहार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह? खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, सामना वाने वो हम लोग क्या बैठ के क्या खाएंगे पिएंगे। कितने दिनों से थे बिहार में रुके हुए? जयपुर में कितने दिनों से थे? जितने दिन से वो लॉकडाउन बोला कि 1 तारीख का खुलेगा, गाड़ी वगैरह मिलेगा हम लोग का, 3 तारीख तक हम लोग को कुछ नहीं मिला साधन खाने पीने का। कंपनी की फ़ोन किए, उसको कुछ भी पैसा नहीं दिया हम लोग का। जो जितने बच्चे वगैरह सारे अब लेकर हम निकल गए। कितने आदमी हो? 40 आदमी सर।